राजगीर में भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय कार्यकर्ता शिविर का उद्घाटन भाजपा बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने संयुक्त रूप से किया। इस शिविर में प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष के अलावा पदाधिकारी भी शामिल हुए हैं। 2 दिनों तक इन सभी को प्रशिक्षण दिया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद सभी पदाधिकारी अपने अपने इलाके में जाकर भाजपा के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि हमारी पार्टी भाजपा हर वर्ष अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य करती है, ताकि यह लोग पार्टी की रणनीति के बारे में पूरी तरह से जानकारी रख सकें और संगठन को मजबूत कर सके। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, हर एक 3 साल में प्रशिक्षण कार्यक्रम हम चलाते हैं और आज यहाँ जो है यह प्रशिक्षण नहीं है, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। अर्थात जो बिहार के प्रमुख हमारे माननीय नेता हैं उनके साथ बैठ करके केंद्र सरकार की जो नीतियाँ चल रही हैं, राज्य सरकार की नीतियाँ हैं, पार्टी के जो विचार परिवार की जो योजनाएँ हैं, उन सबों के बारे में विस्तृत चर्चाएं होंगी और ये मंडल स्तर पर जाके भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण देंगे। 2014 के बाद राजनीति में जो बदलाव आया है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। जाहिर बात है 2014 के बाद सबसे बड़ा बदलाव आया कि एक ऐसे प्रधानमंत्री को दायित्व मिला जिसने पहली बार गरीबों की चिंता की, गरीबों का विकास कैसे हो, गरीबों को मदद कैसे किया जाए। और इसलिए 2014 भारत के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन काल का समय है। इस शिविर के दौरान सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गईं, क्योंकि शिविर में मौजूद बड़े नेता से लेकर छोटे नेता तक मास्क लगाना मुनासिब नहीं समझा और न ही यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। वैसे तो सरकार द्वारा आम लोगों के कार्यक्रम पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं, मगर सरकार में शामिल लोग ही कोरोना वायरस के लिए जारी किए गए गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का लगातार का अपना एक प्रशिक्षण का रहा है और हम लोगों ने प्रदेश से लेकर केंद्र तक प्रशिक्षण का कार्यक्रम करते रहे, लेकिन पहली बार हम लोग अलग स्तर से यानी मंडल स्तर तक प्रशिक्षण का योजना अपना है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि बिहार में लगभग ऐसे 1100 मंडल है पार्टी के आधार पर जिनके स्तर पर हम प्रशिक्षण करने जा रहे हैं आगामी महीने में। और इसीलिए बिहार के ऐसे प्रदेश के पदाधिकारी, मंच मोर्चा के अध्यक्ष और संयोजक, ऐसे स्तर के कार्यकर्ता और साथ ही हमारे वरिष्ठ नेता जो जिला के अध्यक्ष हैं, उन सब का एक प्रशिक्षक प्रशिक्षण वर्ग है। यानी हम उनको ट्रेन करके, उनको प्रशिक्षित करके और उनके माध्यम से बिहार के ऐसे 1100 मंडलों में प्रशिक्षित करने का अभियान है, अपना कार्यक्रम है। और इस नाते आज पहला सत्र हमारा 1:30 बजे उद्घाटन सत्र है। इस उद्घाटन सत्र में हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी उद्घाटन करेंगे और इसमें जो विषय है वो पहला विषय है 2014 के बाद भारत की राजनीति में जो बदलाव आए हैं और हमारा भारतीय जनता पार्टी और हमारा दायित्व तो क्या है, इस विषय का प्रबोधन होगा और उस पर चर्चा भी होगी। तो ये पहला सत्र है। इस सत्र में हमारे जो बिहार के सह प्रभारी हैं श्रीमान हरीश द्विवेदी जी भी रहेंगे, हमारे प्रदेश के जो प्रभारी हैं और राष्ट्रीय महामंत्री हैं श्रीमान भूपेंद्र यादव जी रहेंगे, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री हैं श्रीमान नागेंद्र जी, वो भी रहेंगे इस कार्यक्रम में। तो इस नाते ये पूरे वर्ग का उद्घाटन सत्र ये आज पहला 1:30 बजे से हम लोग शुरू करें और ये वर्ग कल शाम के 4 बजे तक चलेगा, यानी जब कल समापन होगा। और इस वर्ग में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान बीएल संतोष जी वो दिल्ली से आ रहे हैं, उनका यहाँ समारोह सत्र उनका होगा। इस सत्र को लेने के लिए विभिन्न विभिन्न भागों में अलग अलग सत्र हैं जिनको हमारे प्रदेश के केंद्रीय जो गृह राज्य मंत्री हैं श्रीमान नित्यानंद राय जी, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर श्रीमान मंगल पांडे जी, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान राधा मोहन सिंह जी और ऐसे श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, इनका सत्र इसमें होने वाला है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश के साथ हम अपने प्रशिक्षण वर्ग में प्रदेश के ऐसे जो कार्यकर्ता हों उनको प्रशिक्षित करके बिहार में सभी मंडलों तक हमारा काम पहुंचे और संगठनात्मक दृष्टिकोण से हम सशक्त हों, इस नाते यह अभियान है। ठीक, बंगाल चुनाव से पहले प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है तो क्या? देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर पर अक्टूबर से ही प्रशिक्षण का अभियान चल रहा है और इस प्रशिक्षण के नाते हमने प्रदेश के ये शुरुआत किया है। इसको बंगाल चुनाव से नहीं देखा जा सकता है क्योंकि ये पार्टी का संगठनात्मक अपना सिस्टम है, पद्धति है, उसमें हम कार्यकर्ताओं को सदस्यता के बाद उनको प्रबोधन करते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं कि हम अपने विचारधाराओं के साथ साथ राजनीतिक परिदृश्य है उसको नीचे तक हम ले जाएं।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।